हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आई क्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 207। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। देखिए यहाँ पर आपके पास कोडिंग डिकोडिंग है, तीन कोड्स हैं आपके पास। अगर मैं इस कोड में बात करता हूँ सबसे पहले किसकी, नंबर की। तो नंबर उसने किस तरीके से यहाँ पर अरेंज करा है, देखिए उसने क्या करा है, जितने भी आपके पास वर्ड्स हैं उसका इनिशियल लेटर और लास्ट लेटर की जो भी आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसने उसको ऐड कर दिया। मतलब क्या, अगर हम बात करते हैं डब्लू की, तो देखिए डब्लू आपके पास कितना हो गया, 23 हो गया, ठीक है। फिर आर आपके पास कितना हो गया, 18 हो गया। दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा कितना बना, 41 बना, मतलब आपके पास ये हो गया। सिमिलरली इसमें अगर बात करते हैं तो एल आपके पास कितना है, 12 है, और ई आपके पास कितना है, 5 है। दोनों को ऐड करा कितना मिला, आपके पास 17 मिला, ये आपके पास कोड हो गया। इसी तरीके से अगर मैं आर की बात करता हूँ तो देखिए आर आपके पास कितना है, आर आपके पास 18 और एल आपके पास 12 है, दोनों मिलकर कितना हो गया, 30 हो गया। इसी तरीके से कि पी आपके पास 16, एल आपके पास 12, दोनों मिलकर कितना हो गया, 28 हो गया, ठीक है। तो हमें ये चीज़ पता हो गया जो आपके पास यहाँ पर नंबर दिया है वो किस तरीके से आपको क्या ऐड करना है, इनिशियल और लास्ट लेटर को, ठीक है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिंबल की, तो देखिए इसने सिंबल किस तरीके से दिए हुए। अगर हम यहाँ पर बात करें, हमें एक चीज़ तो कन्फर्म होगी ना, आपके पास जैसे कि लाइफ का कोड क्या होगा, लाइफ का कोड आपके पास ये है, मतलब क्या लाइफ इसका कोड क्या है आपके पास, @E17 है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं @ और का है, देखिए @ आपके पास यहाँ पर है, @ आपके पास यहाँ पर है। अगर मैं बात करता हूँ इसमें, तो इसमें देखिए आपके पास क्या है, इसका नंबर 28 है, तो ये कोड किसका हो सकता है, देखिए आपके पास इसका कोड तो नहीं होगा। अगर मैं बात करते हैं D आपके पास 4 और M आपके पास 13, इसका कोड भी नहीं होगा। H आपके पास कितना है, 8 है, ये आपके पास कितना है, 28 28, हाँ ये होगा आपके पास कोड। मतलब क्या, अगर हम बात करते हैं होस्ट, ये कोड क्या है आपके पास, @S28 है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इसकी, देखिए तो इन दोनों में देखिए आपके पास कॉमन क्या है, दोनों में नंबर ऑफ लेटर्स 4 4 है, तो हो सकता है आपके पास @ किसको डिनोट कर रहा हो, वो डिनोट कर रहा हो नंबर ऑफ लेटर्स को। तो इसमें चेक कर लेते हैं आपके पास, देखिए आपके पास ये कोड किसका होना चाहिए, किंग का। इसको अगर हम देखेंगे आपके पास k कितना हो जाएगा, 11, और आपके पास g कितना हो जाएगा, 7, दोनों को ऐड करेंगे 18, हाँ बन रहा है। इसका मतलब क्या, एक चीज़ कन्फर्म है, @ किसके लिए यूज़ है, नंबर ऑफ लेटर्स जो आपके पास 4 होंगे। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर देख लीजिए आपके पास डॉलर किसके लिए यूज़ था, अगर हम बात करते हैं 30 30 आपके पास इसके लिए बन रहा था, यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स आपके पास कितने, 5 हैं। तो इसको हम कंफर्म करने के लिए एक बार चेक कर लेते हैं आपके पास डॉलर और कहाँ दिया हुआ है। डॉलर आपके पास यहाँ पर है, इसमें अगर हम बात करते हैं 5 आपके पास कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। इसकी अगर हम बात करते हैं आपके पास 19 हो गया, या आपके पास कितना हो गया, 5 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे 24 बन रहा है। इसका मतलब कन्फर्म है आपके पास उसने डॉलर किसके लिए यूज़ करा है, नंबर ऑफ लेटर्स जिसमें कितने होंगे, 5 होंगे। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इसके आगे, देखिए अगर आपके पास नंबर ऑफ लेटर्स कितने, 6 6 के केस में हम किसको यूज़ करेंगे, देखिए उसने हमें क्या बताया, यहाँ पर आपके पास वंडर है, मतलब क्या आपके पास क्या यूज़ होगा, एंड यूज़ होगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें अगर हम बात करते हैं आपके पास नंबर ऑफ लेटर्स कितने, देखिए 8 है, तो 8 के लिए उसने क्या यूज़ करा है, कॉपीराइट यूज़ करा है, ठीक है। 8 के लिए उसने क्या यूज़ करा है, कॉपीराइट यूज़ करा है। इतना आपको क्लियर हो गया अभी तक यहाँ पर, ठीक है। अब इसी पर बेस्ड अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, तो देखिए उसने यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट डज द कोड दिस स्टैंड फॉर, ओके आपको पता करना है कि ये किसका कोड होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं @F18, तो देखिए @F18 यहाँ पर था आपके पास, ये कोड किसका था, किंग का था, तो किंग आपके पास होना ज़रूरी है, यहाँ पर किंग है, यहाँ पर आपके पास किंग नहीं है, कैंसिल आउट हो जाएगा, किंग यहाँ पर है, किंग यहाँ पर है, किंग यहाँ पर है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ आपके पास, देखिए क्या है, यहाँ पर डॉलर है, डॉलर मतलब नंबर ऑफ लेटर्स आपके पास 5 होने चाहिए, $R32 आपके पास कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 5। अगर हम बात करते हैं मेक्स आपके पास होना चाहिए, यहाँ पर गिवन है, ठीक है, यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर गिवन नहीं है, यहाँ पर भी गिवन नहीं है, ऑलराइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, एंड की, तो देखिए एंड आपके पास नंबर ऑफ लेटर्स 6 एंड Q10 आपके पास यहाँ पर दिया है। 6 नंबर ऑफ लेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास देखिए क्या है, एम्पायर है, एम्पायर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, एम्पायर यहाँ पर भी दिया हुआ है। उसके बाद कॉपीराइट की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ लेटर्स आपके पास कितने, 8 होने चाहिए, कॉपीराइट K28 कहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, देखिए आपके पास प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यही आपके पास क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उससे हमसे क्या बोला है कि व्हाट इज द कोड फॉर दिस, ओके इसका आपको कोड पता करना है। एक्सेप्टेड की अगर मैं बात करता हूँ, नंबर ऑफ लेटर्स इसमें कितने आपके पास, देखिए 8 है, मतलब क्या, कॉपीराइट यूज़ होगा, ठीक है, एक्सेप्टेड आपके पास यहाँ पर यूज़ है।
इसमें अगर हम बात करते हैं ये आपके पास क्या होगा, कोड होगा मतलब कि कॉपीराइट C5 आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर आपके पास गिवन है, यहाँ पर भी आपके पास गिवन है, यहाँ पर आपके पास गिवन है, यहाँ पर आपके पास गिवन है, ठीक है। फिर अगर हम सक्सेस की बात करते हैं तो देखिए सक्सेस आपके पास यहाँ पर दिया है, नंबर ऑफ लेटर्स इसमें कितने 7 है। अब 7 के लिए उसने देखिए क्या यूज़ करा होगा कोड, ये नहीं यूज़ करा होगा, ये नहीं यूज़ करा होगा, ये नहीं यूज़ करा होगा। 7 के लिए उसने क्या यूज़ करा होगा, हैश। तो आपके पास यही कोड होना चाहिए, मतलब क्या #R38, #R38 यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर आपके पास नहीं दिया हुआ है, #R38 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, ठीक है। उसके बाद ड्रीम की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए ड्रीम आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने हैं इसमें, 5 है। 5 के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डॉलर को यूज़ कर रहे थे, डॉलर आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है। इसका मतलब क्या, अगर हम चेक करें $L17 यहाँ पर गिवन है, ठीक है, यहाँ पर भी गिवन है, यहाँ पर भी गिवन है। उसके बाद लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो लाइफ आपके पास यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है। हम क्या यूज़ कर रहे थे, इसको यूज़ कर रहे थे, तो देखिए आपके पास @E17 कहाँ पर गिवन है, यहाँ पर नहीं गिवन है, @E17 यहाँ पर नहीं गिवन है, @E17 यहाँ पर गिवन है। इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसमें बोला है कि अकॉर्डिंग टू द कोडिंग व्हाट विल बी द कोड फॉर अचीव एक्वायर्ड। ओके, आपको अचीव एक्वायर्ड का कोड पता करना है। अगर हम बात करते हैं अचीव की, आपके पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो आपको इसको बनाना पड़ेगा। अचीव की अगर हम बात करते हैं 1, 2, 3, आपके पास ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 और 5, 6, ठीक है, 1, 2, 3, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1 और 4 आपके पास हो जाएगा 5, ठीक है। तो सभी में दिया हुआ है ये। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, कोड की, तो यहाँ पर देखिए आपके पास कोड क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने हैं, 7 है, मतलब आपके पास क्या यूज़ होगा, हैश यूज़ होगा। इसमें आपके पास कितने, देखिए 8 है, मतलब हम कॉपीराइट को यूज़ करेंगे, तो हैश के साथ 6 आना चाहिए। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यही बचा है आपके पास। इसको कन्फर्म और कर लेते हैं हम, देखिए आपके पास कॉपीराइट के साथ 5 गिवन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी, तो देखिए आपके पास यहाँ पर लास्ट कॉन्सोनेंट कौन सा है, वी है, V-1 आपके पास यू होना चाहिए, यू यहाँ पर गिवन है। सिमिलरली इसमें बात करता हूँ तो आपके पास डी है, D-1 आपके पास सी होना चाहिए, सी यहाँ पर गिवन है। आपके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सुना है कि अकॉर्डिंग टू द अबव इन्फॉर्मेशन कोड दिस डेफिनेटली रिप्रेजेंट। ओके, ये कोड किसको डेफिनेटली रिप्रेजेंट करेगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपके पास देखिए ये क्या है, आपके पास डॉलर यूज है, मतलब नंबर ऑफ लेटर 5 होने चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ लेटर 5, और इसका जो इनिशियल और लास्ट का सम है वो कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो देखिए आपके पास यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इसमें आपके पास 6 बनेगा क्या, हाँ, इसमें आपके पास 6 बनेगा, हाँ, इसमें भी 6 बनेगा, इसमें भी 6 बनेगा, इसमें भी 6 बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए सब में आपके पास CEB कॉमन है, ठीक है, तो इससे तो हम कुछ ज़्यादा कुछ पता कर नहीं सकते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी, M की, तो देखिए M आपके पास अगर हम बात करते हैं इसमें V-1 आपके पास क्या होना चाहिए, U होना चाहिए था, तो ये आपके पास कोड तो नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं आपके पास V-1 M, ये भी आपके पास नहीं हो सकता, ठीक है। L-1 आपके पास ये भी नहीं हो सकता, K-1 M आपके पास ये भी नहीं हो सकता, N-1 आपके पास, हाँ, यही हो सकता है इसका, इज़न्ट इट। अगर हम बात करें इसकी ना, देखिए इसमें आपके पास नंबर ऑफ़ लेटर्स 5 है, इतना आपको कन्फर्म है, इनिशियल और लास्ट आपके 6 होना चाहिए, इतना आपको कन्फर्म है, और आपके पास जो लास्ट कॉन्सोनेंट है -1 होकर कितना होना चाहिए, M होना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पर देख लिया आपके पास N-1 ही, तो आपके पास M हो सकता है ना, तो आपके इसका कोड क्या होगा, यही होगा, मतलब क्या E1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, उसमें से बोला है कि इन दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन हाउ इज क्यू एंड टी आर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये आपके पास क्या बनेगा, देखिए कि क्यू आपके पास क्या है, डॉटर है किसकी, आर की, क्यू डॉटर है किसकी, आर की, ओके, आर आपके पास क्या है, आर मदर है किसकी, डब्लू की, आर मदर है किसकी, डब्लू की, ओके, डब्लू आपके पास क्या है, सन है किसका, एस का, डब्लू सन है किसका, एस का, ठीक है। उसके बाद एस क्या है आपके पास, एस फादर है किसका, पी का, एस फादर है पी का, ओके, पी आपके पास क्या है, पी हस्बैंड है किसका, टी का, पी हस्बैंड है किसका, टी का, ठीक है। तो देखिए आपके पास अगर हम बात करते हैं क्यू और टी की, तो क्यू और टी आपके पास क्या हो जाएंगे, ये सिस्टर इन लॉ होंगे, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसमें बोला है कि विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉल्स इफ दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू। ओके, अगर हम इसको बनाते हैं, देखिए आपके पास क्या है, डी क्या है, डी मदर है किसकी, बी की, ओके, बी आपके पास क्या है, बी फादर है किसका, सी का, ओके, सी आपके पास क्या है, सी सिस्टर है किसकी, ए की, सी सिस्टर है किसकी, ए की, ओके,
ए आपके पास क्या है, ए सन है किसका, ई का, ए सन है ई का, ओके। उसके बाद ई क्या है आपके पास, ई डॉटर है किसकी, एफ की, ई डॉटर है किसकी, एफ की, ठीक है। तो अगर हम बात करें डी क्या है, डी मदर इन लॉ है किसकी, ई की, डी मदर इन लॉ है ई की, एकदम करेक्ट है। बी सन इन लॉ है एफ का, बी सन इन लॉ है किसका, एफ का, ये भी एकदम करेक्ट है। ई वाइफ है बी की, ई वाइफ है बी की, एकदम करेक्ट है। सी ग्रैंड और डॉटर है किसकी, एफ की, सी ग्रैंड डॉटर है एफ की, ये भी करेक्ट है। एफ फादर इन लॉ है किसका, बी का, एफ फादर इन लॉ बी का, इसको हम कंफर्म नहीं बोल सकते, इसलिए क्या हो जाएगा आपके पास, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके। अब इस क्वेश्चन में आपके पास देखिए कंक्लूजन में जेड और यू की बात करिए, जेड आपके पास यहाँ पर है, जेड आपके पास यहाँ पर भी है और यू आपके पास यहाँ पर है, तो आप जेड से यू कैसे आ सकते हैं। अगर मैं जेड से पहले एक्स जाऊँगा, इन दैट केस राइट टू लेफ्ट जाऊँगा, जो भी साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा, डॉलर गिवन है मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया, ठीक है। फिर एक्स से मैं डब्ल्यू जाऊँगा, ठीक है, एक्स से मैं डब्ल्यू गया, मैं राइट टू लेफ्ट जाऊँगा, जो भी साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा, ये गिवन है मैंने यहीं पर टिक लगा दिया। फिर डब्ल्यू से मैं यू जाऊँगा, राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, जो भी साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा, ये साइन गिवन है मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। आपके पास अलग अलग ग्रुप के यूज़ होगा, इसके बाद क्या इनके पीछे हम कोई भी रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। फिर अगर मैं डब्ल्यू और वाई की बात करता हूँ, इन दैट केस देखिए डब्ल्यू आपके पास यहाँ पर है, ठीक है, और वाई आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है और एक आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है। अगर मैं डब्ल्यू से एक्स जाता हूँ तो इन दैट केस लेफ्ट टू राइट जाऊँगा, जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा, यहाँ पर मैंने टिक लगा दिया। फिर उसके बाद एक्स से मैं जेड जाऊँगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया, ठीक है। फिर जेड से अगर मैं बात करता हूँ किसकी, वी की, तो इन दैट केस राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, जो भी साइन गिवन होगा उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा, कॉपी राइट गिवन है मैं यहाँ पर टिक लगा दिया। आपके पास अलग अलग ग्रुप के यूज़ हो गए, इसका मतलब क्या, इनके बीच में कोई भी रिलेशन को नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, थैंक यू सो मच।